हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू हो गई है। मीठा एक ऐसी चीज़ है जो फास्ट में दिन भर की एनर्जी देता है और भूख को भगाए रखता है। तो मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत टेस्टी एंड हेल्दी, मिनटों में तैयार होने वाले ऐसे लड्डू। जब आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। ना दूध, ना खोआ, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ ये दो चीज़ों से मिलके बनती है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू बनाने के लिए छुहारा लेंगे और छुहारे से ही लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आधा किलो छुहारा ली हूँ और इसे 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो दी थी और ये अच्छे से फूल गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने छुहारे के बीज होते हैं वो निकाल लेंगे। जब छुहारा फूल जाता है तो ये बड़े आराम से इसके बीज निकल जाते हैं। तो एक एक करके सारे छुहारे के बीज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे छुहारे के बीज को निकाल ली हूँ, आप देख सकते हो। तो इसी तरह सारे छुहारे के बीज को निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक ग्राइंडर जार लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी में चीनी पीसी हूँ, तो आप देख सकते हो कि वाइट नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसी में छुहारे को डाल लूँगी और इसे पीस लूँगी। अब इसे कवर करके पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छुहारे अच्छे से पीस गया है। तो इसे ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा ही रखना है और इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको आधा बाउल में निकाल लेंगे और आधे को इसी में रहने देंगे। इसी में डाल लेते हैं नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर मैं 1 कप ली हूँ, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी 1 कप ली हूँ और इसे भी मैं थोड़ा ही डालूँगी, और साथ में 2 चम्मच घी। ये ऑप्शनल है, ये बिना घी के भी बन जाता है, लेकिन घी से काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। अब इन सबको डालने के बाद एक बार और पीस लेंगे ताकि सारे मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो इसे चम्मच से एक बार और मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि ये मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे एक बार और कवर करके पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोबारा पीसने पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब जो मिक्सर बच गए थे उसे भी डाल लेते हैं ग्राइंडर जार में, और जो नारियल के बुरादा बच गए थे वो सब डाल लेंगे। घी और चीनी को भी डाल लेंगे और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे भी निकाल लेंगे उसी बाउल में। अगर आपको लगता है कि मिक्सर थोड़ा गीला है तो इसमें आप नारियल का बुरादा और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/2 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिक्सर बहुत ही अच्छे से बन गया है और ये परफेक्ट है लड्डू के लिए। तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे और दोनों हाथों में गोल करते हुए एक लड्डू का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से लड्डू बन गया है। अब इसे कोट कर लेंगे नारियल के बुरादे से और ये देखने में ब्यूटीफुल और टेस्टी लगता है खाने में। तो ये लीजिए, बनके तैयार है लड्डू और देखने में कितनी ब्यूटीफुल और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी।
इसी तरह सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे लड्डू को बना के रेडी कर ली हूँ। अब इसे प्लेटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट और टेस्टी लड्डू बनके तैयार है। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।